नमस्कार, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस। हम लोग चास के मेन रोड में जो कि बरसों पुरानी जो जगह है, निताई बाड़ी इसे कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये निताई बाड़ी का लगभग जो फील्ड है जहां पर लखी पूजा की जाती है, या जो श्री श्री कोजागरी लखी पूजा महोत्सव भी यहां मनाया जाता है। लेकिन हम आपको यहां क्यों घुमा रहे हैं, क्यों लाए हैं, आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही इस निताई बाड़ी में विधायक मद के द्वारा एक सामुदायिक भवन का निर्माण का जो है वह काम शुरू कराया गया था विधायक फंड से। लेकिन कुछ वहां के रैयतों में विवाद हुआ, और क्या विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद जो है मामला थाना भी पहुंच चुका है, और इसमें उपायुक्त महोदय और डीडीसी महोदय ने एक लेटर भी जारी किया है कि फिलहाल इस काम को रोक दिया जाए क्योंकि जमीन का विवाद है, तो जमीन संबंधित चीजें जो हैं वह क्लियर हो जाए। उन्होंने अंचल को दे दिया है कि जमीन में विवाद है, उसे जब तक विवाद कंप्लीट नहीं होता है तब तक इस मामले में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ कमेटी के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और वो दान करने वाले परिवार के जो 6 फैमिली हैं, जो लगभग 100 साल पहले, जैसा हम लोगों ने सुना कि लगभग 100 साल पहले 6 लोग थे जो यहाँ पर इस जमीन को दान दिए थे, और उस जमीन के दान करने के बाद आज 6 परिवार में कितने परिवार एक तरफ हैं और कितने परिवार दूसरे तरफ हैं, इन दोनों चीजों की जानकारी यहाँ के रैयतों से जानेंगे जो कि यहाँ पर हैं। हम बात करेंगे, देखिए हमारे साथ बात करने के लिए उन 6 पूर्व जो दानदाता थे उनके वंशज हैं, वो यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार दत्ता है, मैं जगत दत्ता के परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मुझे जितना ज्ञान है ये जमीन जो है लक्ष्मी कमेटी को करीबन 100 साल पहले ये दान दे चुका है हम लोग का जो है ना पूरा परिवार ने। आज कुछ गुने चुने जो है हम लोग का जो फैमिली रिलेशन में है वो बोलता है कि हम लोग दान नहीं दिए, लेकिन ये सरासर झूठ है। वो अपना जो है ना रोटी सेकने के लिए काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। जो हम कभी किसी को व्यक्तिगत नाम अभी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत नाम देने पर जो है ना बोलेगा कि मेरा नाम क्यों दे रहे हो, लेकिन जब कागजात में आ गया है कि उनका नाम, तो देने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। मामला क्या है, मतलब कितना रकबा जमीन है पूरा, और उसके बाद क्या विवाद हुआ? इसमें जो है टोटल 33 डिसमिल जमीन है जो रायत का है, और 33 डिसमिल जो है वो पूर्वज ने ये लक्ष्मी कमेटी को दान दे चुका है। उन लोग का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, जो विरोधी पक्ष है वो बोलता है कि हम लोग कहीं तो लिख करके नहीं दिए। मतलब वो विरोधी पक्ष कौन है आपके वंशजों? मैंने जो हम लोग का वंशजमी है अनाथ दत्ता का फैमिली, जो गंगू दत्ता है, गंगू दत्ता का फैमिली में भी जो है उन लोग का कुछ जो है उसका पास में, कुछ हम लोग का पास में भी है। ये हम लोग का पास पूरा जो है ना पक्का सबूत है, वो लोग का साइन है, हम मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। समय पर आज विधायक फंड से यहाँ पे सामुदायिक भवन बन रहा है, बनने की तैयारी हो रही थी जो फिलहाल अभी रुक गया है, तो क्या समाज के फायदे के लिए हो रहा था, या फिर कुछ लोगों के फायदे के लिए हो रहा था जो कुछ लोग इसको रोक लगा? ये बिल्कुल समाज का हित का काम हो रहा है, जिसको कोई रोक लगाया उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अपना जो ना देख रहा है, बलचप को अपना अपनाते हुए सोचता है कि ये काम को रोका जाए, और हम जो बोलेंगे वही होगा। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं जो विधायक मत से जो हम लोग का जो फंड मिला है उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। ऐसे तो हम लोग का अपना निजी फंड लगा चुके हैं और लगाएंगे, फंड मिले चाहे नहीं मिले, हर हालत में हम लोग इस काम को करके रहेंगे। देखिए हमारे साथ एक और सज्जन हैं, ये कॉपी लेके बैठे हुए हैं, क्या है इस कॉपी में लिखा हुआ जो आप दर्शाने का? हम लोग अपना नाम बताए। हमारा नाम रविंद्रनाथ दत्ता, पिता का नाम महादेव दत्ता स्वर्गीय। हम लोग जो है 6 जो हम लोग का वंशज था, 6 वंशज दान किया हुआ है, बहुत पुराना है, प्राय 105 साल हो गया है यह कॉपी। ये तो समझ गए हम लोग की सब 105 पुरानी साल। ये कॉपी में क्या लिखा हुआ है जो आप दिखा? इस कॉपी में लिखा है कि जो विधायक फंड से जो मिला है उसी को निर्माण के लिए हम लोग मीटिंग बैठाया था। कब बैठाए थे वो मीटिंग? 19/6 को बनाया था, बैठाया था, जिसमें से उन लोग भी शामिल था। कौन कौन वो लोग? कौन कौन? दिवाकर दत्ता, बनमाली दत्ता, जो जो लोग हैं वो सब थे। अनाथ दत्ता था, दिवाकर दत्ता था, बनमाली दत्ता था, जो विरोधी है वो भी इसमें पक्ष में था कि इसमें बनना चाहिए, लेकिन आज अपना स्वार्थ के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए ये सब काम उल्टा सीधा करके हम लोगों का विरोध कर रहा है। तो हम लोग 6 परिवार जब दान कर दिए हैं
तो हम लोगों का पूरा खुशी है कि कुछ इसमें बने, कुछ समाज का काम हो अच्छा से यहाँ। क्यों लगता है कि दिवाकर दत्ता, बनवाली दत्ता, मोतू और जितने लोग हैं जो भी विरोध एक तरफ पक्षधर बने हुए हैं, वह क्यों विरोध कर रहे हैं ये 11 डिसमिल पे बनने को लेकर, कि क्यों यहाँ बनने नहीं देना चाहते? वो अपना सोच रहा है कि इसमें कुछ हमको मिला नहीं, कुछ ही नहीं किया, हाँ ठिका उका कुछ नहीं मिला। और हमारे साथ बात करने के लिए एक और रैयत के वंशज हैं, क्या नाम है? मगराम दत्ता। क्या लगता है क्यों विरोध कर रहे हैं वो परिवार जो है? वो जगह पर बन रहा है, उसका बगल में उसका जमीन पड़ा हुआ है, उस जमीन में क्या है कि सोचा है कि आज नहीं तो कल हम इसमें घुसा लेंगे, है ना, जो कि उसका अंदर में भी हम लोग का जमीन उसमें रखा हुआ है। कितना रखा हुआ? 5 डिसमिल। अभी कितने में बन रहा है ये सामुदायिक भवन? ये टोटल 33 डिसमिल का अंदर में। बिल्डिंग कितने में बन रहा है? 40x3 6 डिसमिल का बन। सीसीटीवी कैमरा देख। क्यों क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? वही जो अपना पीछे जमीन है उसको बचाने के लिए। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि जो बाउंड्री पहले से किया हुआ है, पूर्व लोग सौ बार भी करके लगा है, तो उन लोग चाहता है कि इसको हम लोग कूना में नहीं बनाने देंगे, दूसरा जगह बनाने देंगे और इसको हम लोग हथिया लेंगे, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे, भले बंद हो जाए बोल रहे, लेकिन नहीं होने देंगे। अंत में एक सवाल है, क्या लगता है कि ये जो 6 परिवार के वंशजों का नाम हो रहा है, हाँ। कितने वंशज हैं पूरे कुल मिलाकर? टोटल 6 हो है। अभी कितने उनके वंशज कितने हो गए? बहुत हो गया। तो आप लोग को लगभग कितने लोग आप लोग के साथ हैं, कितने लोग उनके साथ हैं? खाली 6 में से एक परिवार नहीं, उन लोग 4-5 गो है, बाकी सब हम लोग है। उसके बाद भी आगे जिला प्रशासन से क्या मांग? देखिए, हम लोग का मांग कुछ है नहीं, हम लोग का खाली मकान बन जाए, हम लोग का यही चाहते हैं, गरीब दुखी हम लोग के लिए। तो आपने सुना कि देखा किस प्रकार से यह जो कोजगरी लक्ष्मी पूजा कमेटी की समिति के भी लोग हैं और जो उनके वंशज हैं, जो 6 परिवार ने दान किया इस जमीन को, उनके भी लगभग वंशज यहां पर हैं। कुछ वंशज जो हैं वो थाने में भी आपको दिखा। आगे हम लोग जो विरोध कर रहे हैं उनकी भी बातों को, दिवाकर की बातों को भी सुनाएंगे और जिला प्रशासन की भी बातों को सुनाएंगे कि उनका इस पर क्या पक्ष है। एक और वंशज है, क्या नाम है आपका? मैं सतीश दत्ता, पिता स्वर्गीय सूर्यकांत दत्ता। क्या लगता है क्यों यह विवाद कर रहे हैं? आप लोग के नजर में विवाद है, वो लोग अपना हक मांग रहे हैं। विवाद नहीं है, असल में ये विवाद नहीं है। पहले हम लोग जब बैठक किए थे, उस टाइम हम लोग का प्रेसिडेंट यही थे, यही बोला कि यहाँ पर कौन थे वो अनाथ दत्ता, जो अभी दिवाकर दत्ता जो केस कर रहा है हम लोग के ऊपर, इनका बाबूजी है अनाथ दत्ता। तो मीटिंग में पास किए कि ठीक है, यहाँ पर जो है बेड में सबका भलाई होगा, एगो भवन यहाँ पर नेताईवाड़ी में किया जाए। लेकिन बीच में कुछ ऐसा एक दो गो है, उनको भड़का दिया। कोई बोलता है ठीका का काम हमको करना है, कमेटी बोल रहा है कि नहीं, जब कमीशन कोई नहीं ले रहा है सार्वजनिक काम में, मंदिर का काम में, तो ठीक हम ही लोग समाज मिलकर और हम लोग काम को करेंगे ताकि 2 पैसा हम लोग को बचेगा। तो उसी में थोड़ा ताना तानी हुआ है आपसी भेद में। पहले तो हम लोग एक साथ थे, हम लोग तो जमीन तो अभी नहीं आई कम अभी। क्या लगता है जिस दिन बैठक हुई उस दिन बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे? ये दिवाकर दत्ता थे, बनवाली दत्ता थे, कौन कौन? हमारा 6 वंशज था, जिसमें का नाम है बनवाली दत्ता भी था, अजय बासुकीनाथ दत्ता भी था, अनाथ दत्ता भी था। सब लोग सहमति दिया, हाँ कि नहीं, उन लोगों का साइन भी है। उसके बाद होली मिलन हुआ, तो उसमें फोटो वगैरह हुआ, शिलान्यास हुआ यहाँ पर विधायक जी के साथ में। उसके बाद 10 लाख रुपया फंड दिए, तो कमेटी लोग बोला कि 10 लाख में क्या होने वाला है ना, आप लोग भी 10 लाख लगाइए। फिर बोला कि ठीक है हम लोग भी लगाएंगे, कमेटी बोला। फिर कमेटी बोला, बनवाली दत्ता बोला कि सर एक काम कीजिए, 10 नहीं 5 और बढ़ा के कर दीजिए, कहें हम लोग को नहीं पूरेगा, 25-30 लाख रुपया खर्चा है इसमें। तो बोला ठीक है हम आपको 1-2 दिन के बाद बताएंगे। और वो सब करने के बाद आज जब हम लोग इसको कर रहे हैं, तो ये लोग आकर के ऑब्जेक्शन दे रहा है। कौन कौन दे रहा है? खाली ऑब्जेक्शन देने वाला अनाथ दत्ता का लड़का दिवाकर दत्ता और 1-2 गो है बासुकीनाथ दत्ता है, बनावाली है। ये लोग अब विरोध कर रहा है कि नहीं यहाँ पर नहीं बनेगा, दूसरा जगह बनाओ, तीसरा जगह बनाओ। काहे भाई,
जब हम लोग पहले दे दिए हैं सब कुछ आज 100 साल पहले, और मीटिंग हम लोग रखे हैं 29 तारीख को, उसमें सहमति भी हुआ, उसमें साइन भी हुआ, पूर्वजों ने दिया, पूर्वजों ने दिया आने वाली पीढ़ियों को कि जब भी यहाँ पर जरूरत होगी अपने अनुसार आप बनाइएगा अपने सहूलियत के लिए। आज आप बना रहे हैं तो उसे अपनी जमीन बताकर इसे रोक लगाने का काम। तो वही पहले तो वही बोले थे कि वहीं पर बनावा, वहीं पर हम लोग नारियल फोड़े, वहीं पर सब कुछ किए, बुनियादी वहां पर कोड़ने लगे। उस टाइम कुछ बताया नहीं, पता नहीं है अभी कायले ऐसा कर रहा है। तो हम लोग तो इसको तो हम लोग बनाएवे करेंगे। कल आकर के बोलने लगा कि लाठी डंडा करने लगा, हम लोग को भगा देता है। हम लोग का ऐसा कोई बातें नहीं, मेरा चाचा है वो। जब तक मामला अंचलाधिकारी के द्वारा तय करके नहीं आया जाता है कि इस जमीन, यह जमीन किसकी है और दान वाकई में किया गया है कि नहीं किया गया, उसके बाद ही काम यहाँ शुरू हो पाएगा। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए अपील की है, ताकि जब तक मामला सरकारी रूप से तय नहीं कर लिया जाता है कि यह जमीन किसकी है और इस पे काम कैसे होगा, और दोनों पक्ष शांति बनाए हुए हैं, कागजी प्रक्रिया चल रही है। जमीन 11 डिसमिल कमेटी के पास निबंधित है और 33 डिसमिल हमारे 6 बुजुर्ग के नाम पे है। 6 बुजुर्ग उस जमीन को हम लोग कभी कभी दावा नहीं किए, खाली छोड़े हुए। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, ब्याह शादी का पंडाल वगैरह अस्थाई पंडाल लगा करता है। इस बीच उसमें विधायक मत से एक सामुदायिक भवन का पास हुआ। सामुदायिक भवन पास होने के बाद, एक भवन बनने के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी लोग पॉलिटिकल पार्टी आने लगे। धीरे धीरे जमीन ख़त्म होने का अंदाज़ा हो गया। दूसरा चीज़, जिस ज़मीन पर बनाया गया था 33 डिसमिल पूर्णतः रहती ज़मीन है, और जो ज़मीन पर बनना चाहिए था 11 डिसमिल जो कमेटी की ज़मीन है उस पर ये लोग नहीं बनाए। इन लोगों की गिद्ध नज़र 33 डिसमिल ज़मीन पर है। तो क्या हुआ, उन लोगों का आरोप है कि जो कि कमेटी के गांव के अधिकांश लोग हम लोग के साथ हैं, 5-6 रैयत में 5 रैयत जो कि 100 साल पहले ही उनके पूर्वजों ने दान दे दिया है, उसके बावजूद दिवाकर दत्ता जो है वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए, क्योंकि उस प्लॉट के पीछे उनकी ज़मीन है, उसको लेकर जानबूझकर पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ इस पर भवन बनाया जाए, और आज उस पर आपत्ति कर रहे हैं। दिवाकर दत्ता ने कहीं अगर लिखित दिया होगा कि उस खाता प्लॉट नंबर पर बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, सिर्फ दिवाकर दत्ता ही नहीं है उस जमीन के बगल में, उस जमीन के पीछे 3 रैयत का घर है, तीनों रैयत मेरे साथ में है जो एप्लीकेंट भी बने हुए हैं। ये लोग भीड़ दिखाना चाहते हैं, 6 घर तो हमारे साथ है, कुछ लोग उन लोग के साथ है, कुछ लोग हमारे साथ है, पूरा परिवार कहाँ है उनके साथ? क्या लगता है उनके साथ जो लोग हैं वो क्या वो 6 परिवार के नहीं है? नहीं, 6 परिवार हम फर्जी कैसे बोल सकते हैं? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, कुछ लोग उनके साथ भी हैं, फर्जी हम कैसे बोल देंगे? सर, ये चास मेन रोड स्थित नीताई बाड़ी में जो सरकारी फंड जो इस्तेमाल हो रहा था उस पर रोक लगी है, दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी ज़मीन पर रैयती और दान दी हुई ज़मीन की बात कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला चास थाना में भी आया है, जांच के क्रम में यह पता चला है कि दोनों पक्ष आपस में रैयत है, एक पक्ष जमीन देने के लिए तैयार है, दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। जांच में ये भी प्रकाश में आया कि इसमें उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा अभी तत्काल उस भूमि पर कार्य करने हेतु रोक लगाया गया है, तथा अंचल अधिकारी चास को भूमि का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। चास थाना के दोनों पक्षों को समझा बुझा कर भेज दिया गया कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक विवाद ना करें।